ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर तले पागबड़ा के महलकपुर रोड पर एक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता वरिष्ठ एमआईएम नेता एवं नगर पंचायत पागबड़ा के पूर्व अध्यक्ष रियासत हुसैन ठेकेदार ने की व संचालन आमिल हुसैन एडवोकेट द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेने पहुंचे एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली और अन्य नेताओं का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। स्वागत करने वालों में कांग्रेस छोड़कर एमआईएम का दामन थामने वाले अरशद सैफी और उनकी टीम द्वारा सभी मुख्य अतिथियों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली द्वारा विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा गया और कहा गया कि आज मुरादाबाद ही नहीं बल्कि पूरे भारत में दलित, मुस्लिम और पिछड़ी जातियां शोषण का शिकार हो रही हैं। वोट लेने वाली पार्टियां सिर्फ वादा करती हैं लेकिन किसी के काम नहीं आती, लेकिन एमआईएम ने हमेशा मजलूमों का साथ दिया है, कमजोरों का साथ दिया है, इंसाफ के लिए आवाज को बुलंद किया है। इस दौरान मंच के माध्यम से उनके द्वारा खिताब किया गया। लेकिन अगर 20 इकट्ठा हो जाएंगे तो इतने तो जरूर हो जाएंगे कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में खड़े होंगे और कहेंगे कि अगर नमाज सड़कों पर नहीं तो फिर दूसरे धार्मिक पूजा भी सड़कों पर नहीं। अगर हम 5-10 जीत करके चले जाएंगे तो हम कहेंगे अगर मदारिस की जांच हो रही है तो फिर सरस्वती शिशु मंदिर की भी जांच होनी चाहिए। हम कहेंगे अगर हमारे मदारिस की जांच हो रही है तो आश्रमों की और मठों की भी जांच होनी चाहिए, जहां पर आशाराम राम रही राम पार अभी कल गवा गया है, कल गवा गया है। सोनभद्र के अंदर एक आश्रम से 18 बच्चे गायब हो गए, पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया, छोटे छोटे बच्चे थे वो भाग करके जंगलों में चले गए, जो वार्डन था उनको लेकर के भाग करके जंगलों में चला गया, जंगल से वो पकड़ करके आए बच्चे, इल्जाम लगाया कि खाने को नहीं मिलता। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस छोड़कर एमआईएम में शामिल हुए अरशद सैफी द्वारा कहा गया कि वे एमआईएम के सिपाही हैं और एमआईएम के लिए काम करेंगे। हमारे पागबड़े की सरजमी पर ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष आली जनाब शौकत अली साहब हमारे बीच तशरीफ फरमा है। मैं आप लोगों से कहूंगा कि उनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। सबसे पहले उन्हीं के साथ में हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष आली जनाब मेहताब चौहान साहब मौजूद हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। उन्हीं के साथ में हमारे आली जनाब समीम तुर्क साहब जो हमारे मुख्य महासचिव हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और साथ ही मैं जो हमारे जिले के अध्यक्ष हैं मोहित फारगानी साहब, मैं उनका भी स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। मंच पे सभी लोग हैं क्योंकि मैंने कल ही ज्वाइन किया है, मैं कुछ लोगों का नाम नहीं जानता हूं। जितने भी लोग यहां मंच पे आसीन हैं मैं उन सबका भी खैर मकदम करता हूं। इस मौके पर रियासत हुसैन ठेकेदार, पागबड़ा नगर अध्यक्ष नफीस अहमद, आमिर एडवोकेट, समाजवादी पार्टी छोड़कर एमआईएम में शामिल हुए नफीस अहमद, सभासद मोहम्मद आसिफ, मेहरबान अली, मोहम्मद इसरार, मोहम्मद हाफिज, सूफी आकल, रिजवान मिल्की, मंसूरी साहब, जिला पंचायत सदस्य रईस मलिक, महिला विंग की मेहताब जहां सहित सैकड़ों की संख्या में एमआईएम के समर्थक मौजूद रहे। कार्यकर्ता सम्मेलन की बाबत जब कार्यक्रम आयोजक एवं संभावित प्रत्याशी नगर पंचायत अध्यक्ष पद रियासत हुसैन ठेकेदार से बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया। ये कार्यक्रम हमारे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सूबाई सदर जनाब हाजी शौकत अली साहब यहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए आए थे और उन्होंने अपने सभा में सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। क्या संदेश देना चाहते हो आज? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से हर तबके को जुड़ना चाहिए और सभी मुस्लिम, दलित, पिछड़े, अगले सबके लिए, सोशल वंचित वंचितों के लिए हमारे राष्ट्रीय सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब पूरी तरीके से आवाज़ उठा रहे हैं
और आज हिंदुस्तान में अगर कोई दबे कुचले पिछड़ों और शोषित वंचितों की आवाज़ उठाता है और संविधान की बात करता है तो वो हैं जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। पाकुड़ा की जनता से क्या कहना चाहूँगा? मैं पाकुड़ा की जनता से यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने बसपा को भी चुना है, सपा को भी चुना है और भाजपा को भी चुना है। एक बार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नगर पंचायत में चेयरमैन बनाइए, इंशाल्लाह रिजल्ट सबसे अलग होगा।